दोस्तों, दिव्यम ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। और इस बार हम चर्चा करेंगे सिंह राशि न्यू ईयर 2018 के बारे में। सिंह राशि वाले को कौन सी ऐसी सफलता मिलने वाली है, कौन सा उनका बड़ा काम सेटिंग हो सकता है, या कौन से ऐसे उनके कुंडली में 2018 में ऐसे योग बन रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले देखेंगे, मैंने यहाँ सिंह राशि के कुंडली यहाँ ड्रॉ की हुई है। यहाँ 5 नंबर आता है और गोचर में तुला राशि का गुरु चल रहा है थर्ड हाउस में, और पंचम स्थान में धनु राशि का शनि चल रहा है। केतु चल रहा है मकर राशि का 6th हाउस में, 12th हाउस में चल रहा है राहु महाराज। ये तीन जो बड़े ग्रह हैं उसके बारे में अपने खास चर्चा करेंगे। कौन से गुरु, शनि और राहु और केतु, ये चार ग्रहों के बारे में चर्चा होती है, क्योंकि वो लंबे रहने वाले ग्रह हैं, मतलब वो ज़्यादा देर वो राशि में भ्रमण करते हैं। देखिए, सी राशि वाले पर्टिकुलर जो उनका जो नेचर है वो थोड़ा हमेशा स्वाभिमान हिसाब का रहता है, वो कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपना शेर अपना दम दिखा के रहता है। वो जंगल में कोई कहीं भी रहेगा, शेर आखिर शेर रहता है। सिंह राशि माने वो शेर की राशि गिनी गई है, इसलिए सिंह राशि वाले ज़्यादातर वो कभी जल्दी हार नहीं मानते। कोई भी चीज़ में अगर वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं, वो कोई काम भी कर रहे हैं, तो उसमें वो जल्दी हार मानने वाले नहीं रहते हैं। इसलिए पहले देखते हैं कि गुरु इनका कहाँ चल रहा है। गुरु इनका चल रहा है थर्ड हाउस में, और उनकी गुरु महाराज की नज़र है, पंचम दृष्टि है उनकी 7th हाउस पे, 7वीं दृष्टि है भाग्य स्थान पे, और उनकी जो लास्ट 9वीं दृष्टि है वो है उनके 11th हाउस में, प्रॉफिट हाउस में। ये गुरु की सबसे शुभ दृष्टि है। इनके हिसाब से अभी इनके पास काम जो होगा उनका, उनमें थोड़ा प्रॉफिट उनका बढ़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट अभी जैसे हमने उन्होंने कुछ भी काम किया है वो काम का आज तक उनको कोई प्रॉफिट मिला नहीं है, लेकिन ये साल में उनको प्रॉफिट मिलने का पूरा निर्देश हो रहा है। और 7th दृष्टि से अभी पार्टनर से भी उनका कोई जुड़ने का योग भी दे रख, नए पार्टनर भी बिजनेस में उनके साथ जुड़ सकते हैं। नए पार्टनर अभी बिजनेस में उनके साथ आ सकते हैं, या वो खुद कोई नए पार्टनर से जुड़ सकते हैं। लाइफ पार्टनर भी उनकी ज़िंदगी में आ सकता है, या कोई अदर पार्टनर भी आ सकता है। लव अफेयर से भी इनका जो भी रिलेशन है वो भी अभी इनका अच्छा रहने के आसार दिख रहे हैं। और शनि महाराज चल रहे हैं 5th हाउस में, थोड़ा जो भी स्टूडेंट वगैरह हैं उनको विद्याभ्यास में अभी थोड़ा ध्यान रख के चलना चाहिए। अभी क्या कि उनका जो भी विद्याभ्यास में अभी उनका मन नहीं लगेगा, स्टडी में उनका मन नहीं लगेगा, क्योंकि शनि की पोजीशन ऐसी चल रही है जिसके हिसाब से विद्या में अभी उनको बहुत सी अड़चनें दिख रही है। इसलिए शनि महाराज के भ्रमण के हिसाब से विद्या में स्टूडेंट लोगों को थोड़ा स्टडी में ध्यान देना चाहिए, स्टडी अच्छी तरह से उनको करना चाहिए, उसको रेयर मतलब मामूली हिसाब से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शनि का यहाँ भ्रमण अच्छा नहीं गिना गया है। और एक प्लेनेट चल रहा है 12वें स्थान में राहु महाराज। यहाँ का राहु महाराज एक अच्छा फल नहीं देता, यहाँ अनिष्टकारक राहु महाराज गिना गया है। इसलिए 12वें राहु को हमारी भाषा में एक अनिष्टकारक गिना गया है, ये खराब फल देता है। ये व्यक्ति को बहुत सी अड़चनों, बहुत सी मुसीबतों का सामना यहाँ करना पड़ता है। जो भी कोर्ट कचहरी में जिसके केस चल रहे हैं उसमें उनकी हार हो सकती है, या कोई ना कोई उसके ऊपर बदनामी या कोई ऐसा बड़ा खर्चा यहाँ दिख रहा है। इसलिए आपसे सिंह राशि वाले को अभी थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए, खास करके कोर्ट कचहरी में विदेश से लगती चीज़ों में उनके साथ कोई धोखेबाजी, कोई ऐसा नुकसान अभी हो रहा। बाहर जो भी व्यक्ति रह रहे हैं सिंह राशि वाले, वहाँ अभी उनका मन नहीं लगेगा, कामकाज में उनको कोई भी डिस्टर्बेंस बाहर आ सकता है। इसके हिसाब से ओवरऑल देखने जाएंगे तो शादी ब्याह से लगती चीज़ों में सिंह राशि वाले को अभी एक अच्छा पॉइंट दिख रहा है, और प्रॉफिट उनका थोड़ा अच्छा उनके पास आ रहा है थोड़ी। लेकिन स्टूडेंट वगैरह जो भी है, जो भी प्रेम लव अफेयर वाली चीज़ें हैं, उसमें भी थोड़ा डिस्टर्बेंस दिख रहा है। इसलिए शनि महाराज की पोजीशन के हिसाब से अभी थोड़ा संभल के स्टूडेंट वगैरह को चलना चाहिए। ओवरऑल देखने जाएंगे तो थोड़ा कुंडली में क्या है, गुरु की पोजीशन अच्छी है, 12वें राहु की पोजीशन के हिसाब से उनको थोड़ा देख के चलना ज़रूरी होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी कमेंट्स हमें भेजें। नमस्कार।